The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और आज हम बात करेंगे फीमेल वजाइनल इचिंग के बारे में। प्राइवेट पार्ट्स में अगर आपको खुजली होती है, इचिंग होती है, तो उसका क्या कारण है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है, आज इस चीज़ के बारे में बातचीत होगी। बहुत परेशान हो जाते हैं कई लोग और दर दर इधर उधर जाते हैं। कई लोग सालों से, कई बार बहुत महीनों से, कई बार कई सालों से इचिंग होती रहती है। कुछ फंगल हो सकता है, कोई बैक्टीरियल हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है समझते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो समझते हैं। आज ये टॉपिक है। सो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शर्माइएगा मत, किसी ना किसी का काम आ जाता है। इंफॉर्मेशन है हेल्थ, इंफॉर्मेशन इज नो नॉलेज इज प्रिवेंशन। सो वजाइनल इचिंग या फीमेल प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल होगी, कई बार पेनफुल हो सकती है और ये हो सकता है कई कारणों से। एक फंगल इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं है, कभी कभी इरिटेटिंग सब्सटेंसेस अगर मान लीजिए यूज़ हो रहा है, कोई ऐसा नया वजाइनल वॉश यूज़ कर रहे हैं, कोई वॉश वी वॉश टाइप्स ऐसी कोई चीज़ जो जिससे इरिटेशन हो रहा है, राइट, फ्रेग्रेंस वाली चीज़ों से इरिटेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन भी कई चीज़ों से हो सकता है, बाहर का कोई वॉशरूम यूज़ कर लिया, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके वजह से इचिंग हो सकती है। और मीनोपॉज का जो टाइम होता है, जब पीरियड्स ख़त्म होने लगते हैं आपके एक उम्र के बाद, वो टाइम पर भी इचिंग होती है। और स्किन के अंदर इन्फेक्शन कई सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक बैक्टीरियल वायरसेस और फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल वायरसेस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं बिकॉज दैट एरिया इज सेक्सुअली एक्सपोज्ड। तो सेक्सुअली एक्टिव लोगों में, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस वाले लोगों में, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अगेन पॉसिबिलिटी। सो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट। और एक और बहुत विचित्र बात है, रेयरली लेकिन इट इज पॉसिबल, वजाइनल इचिंग कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू जस्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस, जी हाँ, दैट इज ऑल्सो देयर। और रेयर पार्ट एक और आता है, कैंसर। कैंसर से भी होती है, वल्वर कैंसर अगर हो दैट वुड बी, दैट वुड बी अ ग्रोथ। एनीवेज, सो ज्यादातर अगर इचिंग हो रही है दैट इज मोस्टली वो बहुत मेजर कंसर्न नहीं होता है, ज्यादातर बहुत सिंपल बीमारियां होती हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप जाएंगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास और उसका एग्जामिनेशन होगा और उसका डिसाइड होगा कि अब आगे क्या ट्रीट करना है डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेस। तो कॉजेस क्या है, कारण क्या क्या होता है भैया? तो सबसे पहला हमने आपको इरिटेंट बता दिया, केमिकल्स वो उसके बारे में, जैसे साबुन, बबल बाथ, फीमेल डाउचेस, कोई क्रीम, कोई स्प्रे, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई डिटर्जेंट, कोई फैब्रिक सॉफ्टनर, कोई ऐसी चीज़ जो आपने नई इस्तेमाल करी है वहाँ लग रही है, इचिंग हो सकती है। डायबिटिक हैं आप, कोई यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, वहाँ से यूरिन ड्रिपल कर रहा है, इचिंग कर सकता है। स्किन की कोई बीमारी हो सकती है, जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, एक्जिमा यानी एलर्जिक रिएक्शन, वो हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, यीस्ट हो सकता है। यीस्ट नॉर्मली एक वजाइना के अंदर रहने वाला फंगस है जो आपके अंदर होता है, वैसे वो प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन अगर वो ओवरग्रोथ हो जाए तो वो अनकंफर्टेबल इन्फेक्शन कर सकता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट, वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट, वेरी कॉमन कंडीशन। ठीक है, 3 में से 4 वुमेन को कभी ना कभी अपनी लाइफ में होता है, चार में से तीन को होता है। सो वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। और बैक्टीरियल वेजिनोसिस भी होता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में एक कॉमन का, वो भी एक और कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन है, जैसे कि यीस्ट इन्फेक्शन है वैसे ही वेजिनोसिस आपके आपके वजाइना के अंदर रहने वाले, जो खुद ही रहने वाले आपके बैक्टीरियाज है, उनके ओवरग्रोथ के वजह से होता है। गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, वहाँ पर अगर इम्बैलेंस हो जाए, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाए,
जेंडर इज द प्रॉब्लम, राइट। इससे हमेशा सिम्टम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी बिना सिम्टम के भी वो हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। देन उसमें क्या होगा, सिर्फ कोई डिस्चार्ज आ सकता, खुजली नहीं है, सिर्फ फाउल स्मेलिंग, थोड़ा बैड स्मेल आ सकती है वहां से, बस और कुछ नहीं हो रहा, और डिस्चार्ज आ सकता है, थिन डल ग्रे कलर का डिस्चार्ज आ सकता है, फोमी टाइप आ सकता है, सो दैट माइट बी जस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो तो क्या क्या हो सकती है, जेनेटल वॉट्स, गनोरिया, क्रेमेडिया, ट्रैकोमोनोसिस, जेनेटल हर्पीज, ये सारी बीमारियां हो सकती है, और एट दी एंड मीनोपॉज में आपको हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो तो ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज आ सकता है, एबनॉर्मल ग्रोथ या रैश आ सकता है, और पेशाब करते समय भी आपको दर्द होगा, ऐसी चीज़ें होंगी। तो मीनोपॉज के टाइम पे अगर दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर आपका ड्राइनेस होगी, वजाइनल एरिया में ड्राइनेस के वजह से इचिंग होगी, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, ड्राई के वजह से इचिंग होगी। स्ट्रेस के वजह से हो रहा है तो स्ट्रेस के वजह से, वैसे वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है बट एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। और तो ऐसा हो रहा है अगर आपको, तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन अगर पेन है, अगर मान लीजिए वहाँ लालपना है, कोई रैश है, कोई अल्सर है, कोई ब्लिस्टर है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मान लीजिए इंटरकोर्स में इसको डिफिकल्टी हो रही है, तो आप जाके जरूर डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर क्या करेगा, डायग्नोसिस करने की कोशिश करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट या वहाँ से कोई स्वैब लेके टेस्ट, उससे बेसिस पे डायग्नोसिस होगा। पता चल गया कि यीस्ट इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो एंटी फंगल मेडिकेशन देंगे, उसमें नीचे से डालने वाली पिल्स भी आती है, क्रीम्स भी आती हैं लगाने वाली, ऑइंटमेंट भी आती हैं वहाँ पर, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस भी ले सकते हैं अगर आप, तो डॉक्टर से पूछ के लीजिएगा, ये याद रखिए। और वेजिनोसिस है, बैक्टीरिया वेजिनोसिस, तो फिर एंटीबायोटिक दी जाते हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आपके ओरल भी आते हैं, नीचे से डालने वाले भी आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके किस प्रकार का, कितना सीवियर है उसके हिसाब से दिया जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं तो अलग अलग डिजीजेज के लिए अलग अलग चीज़ है, एंटीवायरल फॉर वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइट के लिए पैरासाइटिक, और एंटीबायोटिक के लिए एंटीबायोटिक, वैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। मीनोपॉज वाला हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है वहाँ पे, तो ड्राइनेस के लिए ईस्ट्रोजन क्रीम दी जाती है, ईस्ट्रोजन क्रीम टैबलेट या वेजाइनल रिंग दिए जाते हैं, जो नीचे लगा के आप वेजाइनल इंसर्ट अंदर डाल सकते हैं, उससे क्या होता है ईस्ट्रोजन मिलता रहता है, ड्राइनेस कम हो जाती है। उसके अलावा अगर इरिटेशन खुद से ठीक हो गई तो खुद से ठीक हो गई, फिर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और हो जाती है कुछ केसेस में, कई बार ऐसा होता है खुद ही ठीक हो जाती है। मीनवाइल अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा, खुजली ज़्यादा है, तो यू कैन स्टिल अप्लाई स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम, स्टीरॉयड बेस्ड लोकलाइज क्रीम जो है इन्फ्लामेशन कम करती है, खुजली कम करती है, डिस्कम्फर्ट कम करती है, लेकिन आपको ये डॉक्टर से पूछ के, बिकॉज ऐसा नहीं कि इसको लगाए जा रहे वो भी नहीं करना, ओवर यूज़ नहीं करना है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो कुछ होम रेमेडीज़ लेके जाओ, समझो होम रेमेडी में क्या करेंगे, होम रेमेडी में क्या समझ के जाओ तो अच्छा है, कुछ नहीं तो ये काम आएगा। होम रेमेडी में क्या है, हाइजीन और लाइफस्टाइल हैबिट्स तो आपको सुधारने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी अनहाइजीनिक कंडीशन है वो गलत। तो होम रेमेडी नंबर वन, वार्म वाटर, थोड़ा सा कुनकुना पानी यूज़ करो नीचे का एरिया साफ करने के लिए, और कोई भी साबुन यूज़ करते हो वो जेंटल होना चाहिए, जेंटल क्लिंजर हो, बहुत हैवी साबुन नहीं होना चाहिए, कोई सेंटेड सोप वोप नहीं यूज़ करना, कोई लोशन, कोई बबल बाथ ये सब नहीं यूज़ करना, कोई जकूजी फकूजी नहीं यूज़ करना, स्विमिंग पूल्स नहीं यूज़ करने, और कोई वेजाइनल स्प्रे या डाउचेस वो सब यूज़ नहीं करना, और कभी भी गीले हो गए कपड़े तो उसको तुरंत तुरंत चेंज कर लेना, स्विमिंग कर भी रहे हो तो स्विमिंग करके तुरंत चेंज कर, एक्सरसाइज करके तुरंत गीले कपड़े चेंज कर लो, और कॉटन के अंडरवेयर्स पहनने हैं आपको, और उसको हर रोज़ या एक दिन में दो बार भी चेंज करो अगर गीले हो रहे हैं तो, और यू नीड प्रोबायोटिक्स, तो योगर्ट, दही खाओ, दही से यीस्ट इन्फेक्शन रिड्यूस होता है, इट्स वेरी वेरी गुड। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कॉन्डम का इस्तेमाल ज़रूर करें, और जब भी आप नीचे का एरिया वाइप करते हैं तो उसको पीछे से आगे नहीं लेना, आगे से पीछे वाइप करना है, बिकॉज पीछे एनस होता है, वहाँ से आप बैक्टीरिया या वहाँ से वो उठा के वेजाइना में वैसे सामने कर दोगे अगर वैसे करोगे, तो आप जो वाइप करना है फ्रंट टू बैक करना है, कभी भी हो बाउल मूवमेंट के बाद
मेक श्योर कि फ्रंट टू बैक करना है, बैक टू फ्रंट नहीं करना भाई, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। इस सारे प्रिकॉशंस और सारे होम रेमेडीज यूज करोगे ठीक हो जाओगे। दैट इज ऑल अबाउट वजाइनल इचिंग। फॉर एनीथिंग एल्स प्लीज कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क। थैंक यू। प्लीज शेयर द वीडियो।